हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टेक विद पंकज के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जब भी आप अपने फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यूज करते हैं प्ले स्टोर का। अब देखिए, प्ले स्टोर से जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोन में ना, तो होता क्या है, ये अपने आप ऑटो अपडेट होती रहती है। इससे क्या होता है, एक तो आपकी इंटरनल मेमोरी बहुत जल्दी भर जाती है, साथ ही दोस्तों आपका डाटा भी रोज इसमें खर्च होता है, क्योंकि रोज नए नए अपडेट इसमें आते रहते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या कोई और ऐप यूज कर रहे हैं, तो सबके अपडेट आते रहते हैं, ये अपने आप ऑटो अपडेट होते रहते हैं। तो इसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं, जिससे आपका डाटा भी बच जाएगा, इंटरनल मेमोरी भी बच जाएगी, तो यही आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में चले जाते हैं। प्ले स्टोर में क्या करते हैं, हम कोई भी ऐप यहाँ पर सर्च करते हैं, उसको डाउनलोड हम कर लेते हैं और इंस्टॉल भी कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, लोगो पे क्लिक करना है और सेटिंग्स में हमको चले जाना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नेटवर्क प्रेफरेंस का, तो इस पर आप क्लिक कर दें। फिर इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटो अपडेट ऐप का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। देखिए, ऐप डाउनलोड प्रीफ्रेंस है, ऑटो अपडेट ऐप है और ऑटो प्ले वीडियो, इसमें आपको ऑटो अपडेट ऐप्स में क्लिक कर लेना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। देखिए, आपने अगर पहले से सेटिंग ये चेंज नहीं करी होगी तो आपकी सबसे पहले इसमें सेटिंग ये सेव हो रही होगी ऑनली ओवर एनी नेटवर्क, मतलब अगर आप वाईफाई से भी जुड़े हैं या आपने डाटा का यूज़ कर रहे हैं फ़ोन के, तो कभी भी दोस्तों क्या होगा, आपकी फ़ोन क्या होगा, ऑटो अपडेट कर लेगी ऐप को, मतलब दोनों कंडीशन में, डाटा यूज़ कर रहे हैं चाहे आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में क्या होगी, आपकी ऐप जो होगी अपने आप अपडेट हो जाएगी, आपसे नहीं पूछेगी आपको अपडेट करना है कि नहीं करना है। अगर ये सेव हो रही होगी ओवर वाईफाई ओनली वे, इससे क्या होगा, जब भी आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होगा कहीं भी, तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी ऐप होंगी ना वो अपडेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, सारी ऐप होंगी जो अपडेट होनी अब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको करना है, इससे बचने के लिए डोंट ऑटो अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इसको ओके आपको कर लेना है। इससे क्या होगा ना, आपकी जो ऐप है वो ऑटो अपडेट नहीं होगी, आपसे पहले पूछेंगे कि आपको अपडेट करना है कि नहीं करना है, मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा इसका अपडेट आ चुका है, आपको अपडेट करना है कि नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अगर आपको कोई ऐप जरूरी आप यूज़ करते हैं तो उसको आप ऑटो अपडेट कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं और यूज आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स में क्लिक कर लेना है, ऑटो अपडेट ऐप्स में जाकर। इससे क्या होगा, आपका डाटा भी बचेगा और आपकी इंटरनल मेमोरी भी बच जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि प्ले स्टोर में जो आप ऐप यूज़ कर रहे हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, उसको आप ऑटो अपडेट होने से कैसे रोक सकते हैं, जिससे कि आपका डाटा भी बचेगा साथ ही आपका इंटरनल मेमोरी भी बची रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलते हैं यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नई नई वीडियो हर रोज। तो चल दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही जल्द इजी टेक विद पंकज में।